विधानसभावार भेंट मुलाकात के कार्यक्रम की सफलता के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर संभाग के युवाओं से रूबरू हुए। ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संभाग के 5 जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं, मितान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से बातचीत की। इस अवसर पर युवाओं ने सपनों के छत्तीसगढ़ विषय पर कविता पाठ किया। चलिए मिलकर आनंद उठाते हैं करमा, ददरिया, सुआ, गेड़ी, भौरा, बाटी का। चलिए मिलकर बनाते हैं छत्तीसगढ़ को सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया, और दिखाते हैं पूरी दुनिया को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अंत में जियो मुड़ी उठा के बोलो, छाती ठोक, पढ़ो, लिखो, सुनो, बोलो, छत्तीसगढ़ी गोट, छत्तीसगढ़ी गोट। मुख्यमंत्री ने धमतरी के युवा सोमेश्वर गंजीर के जोशीले भाषण को सुनकर अपने पास बुलाकर गले लगाया और आशीर्वाद दिया। रायपुर संभाग के युवा अपने प्रदेश के मुखिया से सवाल जवाब को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने युवाओं का उत्साह वर्धन करते हुए मौके पर ही विभिन्न मांगों पर कई अहम घोषणाएं की। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की। मैं तो कोशिश करता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा युवा लोगों को आगे बढ़ाऊं। अभी वो साहू लड़का आया था, बढ़िया भाषण दिया, तो उसे बुला पूछा तुम्हारी उम्र क्या है, वो बोले बीएससी प्रीवियस में पढ़ रहा हूं मैं। 25 साल के पहले चुनाव नहीं लड़ सकते, यदि वो 25 साल पूरा किया होता ना तो जरूर उसको मैं टिकट दिलवाने की सिफारिश करता। तो राजनीति में पढ़े लिखे लोग हैं, युवा वर्ग है, वो मैं आह्वान करता हूं है ना कि आप लोग आगे हैं पंचायत चुनाव में, नगरी निकाय चुनाव में, अब जब उम्र 25 साल की होगी फिर विधायक और सांसद के चुनाव, ठीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में नागरिकों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्याएं और शासकीय योजनाओं के लिए लोगों का फीडबैक भी जाना था। मुख्यमंत्री अब सभी संभाग मुख्यालयों में समय समय पर होने वाले युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विकास के मुद्दों, युवाओं के लिए संचालित योजनाओं, उनकी उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर बात करेंगे।